आपको सीधे ले चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्योगपतियों के सम्मेलन को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। पहले और गोरखपुर आदि स्थानों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले माहौल नहीं था तो लोग भी सामने नहीं आते थे, सरकार के स्तर पर भी प्रोत्साहन नहीं था और न ही कोई संरक्षण था, तो लोग एक प्रकार से हतोत्साहित से थे। लेकिन पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रदेश देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत कर सके, इस दृष्टि ध्यान देने का जो अभियान प्रारंभ हुआ, इसके लिए जो अनेक कार्यक्रम हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिफॉर्म किए गए, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य रखा है 2027 तक भारत दुनिया की 3 टॉप की अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, यह हर भारतीय को प्रफुल्लित करने वाला अवसर होगा। स्वाभाविक रूप से इसमें इंडस्ट्रीज की अपनी भूमिका है, और इंडस्ट्रीज की इस भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में आने के बाद अपनी जो परंपरागत पहचान थी उसको प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने का जो कार्यक्रम बनाया था वो हम सबके सामने है। हम सब जानते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आज यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए एक अभिनव योजना बनी है। हमने नाम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया है, लेकिन ये एमएसएमई को प्रमोशन की ही एक योजना शासन की है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी के लिए कोरोना कालखंड में कहा था वोकल फॉर लोकल। यही आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है, और विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्ष्य की जो आधारशिला है वह आत्मनिर्भर भारत का है, आत्मनिर्भर भारत से एक विकसित भारत, और विकसित भारत की जो संकल्पना है उसकी आधारशिला कोई है तो वह हमारी परंपरागत उत्पाद जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, उत्तर प्रदेश ने उसका सरलीकरण करते वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसके लिए सरकार ने अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं। हम लोग देखते थे हमारे पास प्रोडक्ट है, और मैं आप सभी उद्यमियों से इस बारे में भी कहूंगा, हमारा कंपटीशन किससे है इसके लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताना दिखाना। देखिए, अगर आपकी आपके प्रोडक्ट के प्रति लोगों का विश्वास जागृत होगा तो लोग